अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी M24 5G, आपको करना है इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इस फोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आप तीन अलग अलग तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग को कर पाएंगे, जैसे कि आपके केवल ओन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना है जो कि फोन के अंदर सेव नहीं तो वो भी सेट कर सकते हैं, दो चार प्राइवेट नंबर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड होना तो वो भी आप ऑन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर जानते हैं कैसे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। आपका जो डायलर पहले आप उसको ओपन कीजिए, साइड में थ्री डॉट देखने को मिलेंगे, इन पर क्लिक कीजिए और सेटिंग में चले जाइए। यहाँ देखने को मिलेगा रिकॉर्ड कॉल का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को चालू करना चाहते हैं तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड इस फोन में चालू हो जाएगी। अगर आपके दो चार ऐसे प्राइवेट नंबर है जिनकी कॉल रिकॉर्ड चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो केवल अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले इस साइड क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनसेव नंबर, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग होगी जो कि फोन में सेव नहीं होंगे। अब दो चार प्राइवेट नंबर ऐसे जिनकी केवल कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ इसके लिए सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको नंबर टू ऑटो रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट में जाना है और यहाँ आने के बाद उन नंबर को सेलेक्ट करना है जिसकी आप कॉल रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, और डन कर दीजिए। तो ये नंबर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, उनकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। अब आपका नंबर सेव नहीं है कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है या ऐड नंबर पर, और यहाँ किसी तरीके से इस नंबर को डाल के प्रेस के आइकन पर क्लिक कर देंगे तब भी ये नंबर ऐड हो जाएगा, तब भी इसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा।